हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा टाटा मोटर्स में आज अच्छी खासी हमें तेज़ी देखने को मिली। मतलब आप देखेंगे तो जो रिजल्ट के बाद और राकेश झुनझुनवाला जी ने जो स्टेक कम किया उसके बाद उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर दोस्तों शेयर होल्डर काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, काफ़ी ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में आ गए थे। क्यों आ गए थे? क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीद से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, उम्मीद से ज़्यादा दोस्तों रिजल्ट बेकार देखने को मिला, ठीक है। और उसी समय पे यहाँ पर अगर देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला जी ने स्टेक भी कम कर दिया। तो ये सब रीज़न को आज अलग हटते हुए देखें तो एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आते देखने को मिली है, जिससे स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी भी हमें देखने को मिली। तो वो क्या न्यूज़ है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक और चीज़ मैं बोलूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप लोगों के लिए हमने जो लिंक दिया हुआ है प्रॉफिट गुरु की क्लास चैनल का, अगर आप लोगों ने अभी तक उसको विजिट नहीं किया है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जाके फटाफट से उसको सब्सक्राइब करिए, विजिट करिए। क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को वीकेंड पे दोस्तों टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस वाले वीडियो मिलेंगे, जो आप लोगों की ट्रेडिंग स्किल को काफी मजबूत करेंगे, ठीक है। तो चलिए जो न्यूज़ है सबसे पहले उसको कवर कर लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो बिजनेस टुडे की साइट के ऊपर मैंने आप लोगों को यहां पर लाया हूं, यहां पर ही आप लोगों को अपडेट मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो जो अपडेशन है वो लिखा हुआ है टाटा मोटर शेयर में आज 4% की तेजी देखने को मिली, ठीक है। 4% की तेजी क्यों देखने को मिली? क्योंकि दोस्तों टाटा मोटर्स की तरफ से प्लान हो रहा है। क्या प्लान हो रहा है? कि जो उसके पैसेंजर व्हीकल का जो प्राइस है वो हाइक करने का, मतलब बढ़ाने का, ठीक है। तो ये इसके लिए एक अच्छी और एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए, अगर ये पैसेंजर व्हीकल्स की ही इसकी डोमेस्टिक लेवल पे काफ़ी बड़ी डिमांड है, ठीक है, अगर ये प्राइस इंक्रीज करती है, ठीक है, तो इसके आने वाले क्वार्टर थर्ड सेकेंड में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। जो इसने पहले ही कमेंट कर चुका है कि हमारे दोस्तों लगभग क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकंड रिजल्ट काफ़ी बेकार आएंगे, मतलब लगभग यहाँ से 6 महीने। तो दोस्तों यही, क्योंकि खर्चा कम रहेगा, आप लोगों को पता है खर्चा कम रहेगा, और जो पैसेंजर व्हीकल्स के अगर प्राइस बढ़ते हैं तो वो यहाँ पर प्रॉफिट जो रेवेन्यू रहेगा उसको बढ़ा देंगे क्वार्टर सेकेंड में, तो जो लॉस की कंडीशन है वो बहुत कम हो जाएगी। तो हमारे लिए इस प्रकार की टेक्निकल रिसर्च करना है ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी हम आप लोगों को बोलते हैं दोस्तों कि टाटा मोटर्स का शेयर हल्का पतला नहीं है, पूरी दिग्गज ग्रुप से बिलोंग करता है, टाटा ग्रुप से, ठीक है, सबसे पहली बात यह है, सीधा सीधा बोल दिया है 2025 तक दोस्तों हमारे पूरे सेगमेंट में, मतलब पूरे जितने भी प्रोडक्ट है टाटा मोटर्स के दोस्तों, ठीक है, ऑटो सेक्टर में, वो पूरे क्या इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आते देखने को मिलेंगे। जेक्वार एंड लैंड रोवर जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस है, जहां पर लगभग 70-80% रेवेन्यू उसी सेगमेंट से आता है, वो भी दोस्तों अपनी पूरी सर्विस जो है ना इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आ जाएगी, तो हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब बहुत सारे जन बोलेंगे कि दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर व्हीकल्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो इसको कौन खरीदेगा? दोस्तों महंगाई आगे बढ़ रही है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा पैसेंजर व्हीकल में सबसे ज़्यादा मेटल यूज़ होता है। अब आप लोगों को पता है लास्ट 6 महीने में मेटल सेक्टर में कितना बूस्टअप देखने को मिला है। आज ही के दिन में अगर आप JSW स्टील, टाटा स्टील को देखेंगे तो कितने कितने भागे हैं। टाटा स्टील आज लगभग दोस्तों 90 पॉइंट भागा है, आप लोगों ने देखा होगा। तो है वो खैर टाटा ग्रुप का ही स्टॉक, लेकिन दोस्तों देखा जाए तो वो मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है, पैसा तो कंपनी वहाँ पर भी कमा रही है, लेकिन दोस्तों मेटल तो वो यूज़ इसमें भी करती है ना, उसका प्राइस दिन इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, मेटल सेक्टर का। अगर मैं बात करता हूँ ग्लोबली मार्केट में, ठीक है, ग्लोबल सेंटिमेंट को देखें, सभी जगह दोस्तों यहाँ पर हमें यही मार देखने को मिल रही है। आने वाले 3 महीने में हो सकता है कि जो चिप की शॉर्टेज है वो भी बहुत कम हो जाए, ठीक है, और इनकी जो डिमांड है वो आगे काफ़ी बढ़ जाए, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा प्लान देखने को मिल रहा है दोस्तों टाटा मोटर्स के तरफ से। कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉक तो सस्ता है दोस्तों, स्टॉक को तो खरीदे, आप कार खरीदे ना खरीदे स्टॉक को तो जरूर खरीदे, जो आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत शानदार प्रॉफिट देके जाने वाला है। और आप लोगों को क्यों नहीं देगा दोस्तों, 75 रुपये का स्टॉक था, जब से हम आप लोगों को अपडेट करेंगे टाटा मोटर्स का स्टॉक खरीद लीजिए, क्या हो गया दोस्तों? राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें से स्टेक कम किया, उन्होंने स्टेक कम किया, ठीक है, टाइटन के बाद सबसे ज्यादा स्टेक इन्होंने टाटा मोटर्स में लिया था।
अब टाटा मोटर्स में उनका स्टेक कम करने का दोस्तों फैसला ये था, अच्छे खासे प्रॉफिट में थे वो, ठीक है। उनको पहले ही अनुमान हो चुका था कि जो चिप शॉर्टेज है, कमोडिटी सेगमेंट में जो प्राइस बढ़ रहे हैं, मेटल सेक्टर का जो प्राइस बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली दोस्तों स्टॉक का जो रिजल्ट आने वाला टाटा मोटर्स का वो बेकार आएगा, स्टॉक गिरेगा। तो उन्होंने क्या किया, प्रॉफिट बुक करके निकल गए। इनको यहाँ पर हल्की पतली पोजिशन अगर मान लीजिए वो इसी प्राइस पर थोड़े दिन और सस्टेन किया ना, हो सकता है वो यहाँ पर आके जो प्रॉफिट बुक किया वो पैसा यहाँ पर डाल दे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा खासा एवरेज मिल जाएगा, देन स्टॉक फिर भागेगा तो आपको मोमेंटम अच्छा खासा मिल जाएगा। अब ये न्यूज़ तो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, साथ में दोस्तों और भी न्यूज़ अच्छी लगेगी क्या, आप देखिए 4 घंटे पहले अपडेट हुआ है ICICI डायरेक्ट की तरफ से टारगेट 375 रुपये का। आप चाहो तो ये टारगेट के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आप चाहो तो दोस्तों जो 2 दिन पहले मोतीलाल ओसवाल जी ने 400 रुपये का टारगेट दिया, आप उसके लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों को और बहुत शानदार इसमें परफॉर्मेंस दिखेगा। आज देखिए 3.5% की तेजी देखने को मिली, ठीक है, गिरावट कितनी देखने को मिली थी, ठीक है, यहाँ से मैं अगर यहाँ तक कंपेयर करता हूँ यही सबसे लो पॉइंट देखने को मिल रहा है लगभग 4.5% की, जिसमें से आज 3.5% तो आज ही तेजी देखने को मिल गई है। आज अगर देखें तो स्टॉक 287.55 रुपये पर ओपन होता है, 295.40 रुपये का हाई लगाता है, 287.55 रुपये का लो लगाता है, ठीक है। साथ में 52 बिक का हाई, 52 बिक का लो देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर लास्ट एक साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते हो 183% की तेजी है। ओवरऑल का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो जो ये इसके 2 हायर लेवल है ये हमें बहुत जल्दी ब्रेक होते हुए देखने को मिल सकते हैं, जो लगभग 580-600 रुपये के समथिंग के देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो जिसके लिए मैं आप लोगों को अभी भी अपडेट करने का यही मैं बोल रहा हूँ कि टाटा मोटर्स जो है दोस्तों उसको अभी भी बिल्कुल हल्के में मत लीजिए, हल्के में स्टॉक मिल रहा है तो खरीद लीजिए दोस्तों, जो आने वाले दिनों में आपको बहुत कॉस्टली मिलने वाला है, तब आप उसमें पछताओगे। ज़रूर दोस्तों इस पर फोकस करके चलिएगा। अगर यहाँ पर हम टाटा मोटर्स की हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो देखिए मार्केट कैप तो अच्छा खासा लेके बैठी है, ठीक है, 104,268 करोड़ का, ठीक है। पी अर्निंग रेशियो नहीं देखने को मिल रहा है, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय की अगर मैं बात करता हूँ तो 5.82% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.9% का माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। बुक वैल्यू 166 रुपये का, करेंट मार्केट प्राइस आप देख सकते हो, फेस वैल्यू आप यहाँ पर देख के चल सकते हो, ठीक है। मतलब कंपनी अगर देखे जाए ना तो कंपनी थोड़ी सी डैमेज भी है, थोड़ी सी अच्छी भी है, 50-50% आप लेके चल सकते हो। उसी के साथ साथ आप देखेंगे तो कंपनी आगे भी उम्मीद कर रही है कि मेरा अच्छा खासा क्वार्टर यहां पर रिजल्ट पेश करेगा, ठीक है। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, ठीक है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, ये पॉजिटिव। नेगेटिव क्वालिटी भी भर भर के देखने को मिल रही है, ठीक है, कि जो कंपनी की ग्रोथ है लास्ट 5 साल में वो कम देखने को मिली है, कंपनी लो रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रेक रेशियो लास्ट 3 साल में वो भी कम देखने को मिला है। तो ऐसी कुछ पॉजिटिव ऐसी कुछ नेगेटिव क्वालिटी देखने को मिल रही है। साथ में क्वार्टरली रिजल्ट पे अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो सितंबर 2018 में कंपनी ने लगभग 72,000 करोड़ की सेल्स की थी, आप देख सकते हो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है जून 2019 में कम हो गया था, ठीक है, सितंबर 19 में फिर बढ़ा था, दिसंबर में काफ़ी अच्छा रख देखने को मिला था, मार्च 20 में बहुत कम हो गया था, जून 20 में पेंडेमिक के कारण बहुत खराब हो गया था। लेकिन अगर देखें सितंबर दिसंबर मार्च और जून, ठीक है, लास्ट 4 क्वार्टर में यहाँ पर भी फिर से पेंडेमिक आया था तो कंडीशन खराब, लेकिन अगर सितंबर दिसंबर और मार्च ये तीनों मतलब लगभग 9 महीने में ही स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, क्योंकि ये जून से रिकवरी होना चालू हो गई थी। तो जिसके लिए दोस्तों आगे भी अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर मैं बात करता हूँ EPS की, तो आप EPS यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर EPS देख सकते हो। प्रॉफिट को देखो मत देखो, लेकिन EPS को देख के ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें आगे भी काफ़ी इंक्रीज होते देखने को मिलेगा। साथ में अगर मैं बात करता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस की पूरे साल भर में, तो मार्च 2010 में आप देख सकते हो दोस्तों लगभग 92,519 करोड़ की सेल्स की थी, और वही दोस्तों सेल्स आज की डेट में अगर देखें तो लगभग दोस्तों 2,495 करोड़ की देखने को मिल रही है, ठीक है। उसी के साथ साथ प्रॉफिट पे भी अगर फोकस करोगे तो कहाँ 2010 में कंपनी 2500 करोड़ का प्रॉफिट निकाल रही थी, और वही प्रॉफिट दोस्तों आज की डेट में आप अगर देखेंगे तो दोस्तों 13,451 करोड़ का देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो भी अभी तो खैर माइनस में देखने को मिलेगा पूरे साल भर का, क्योंकि परफॉर्मेंस कंपनी का लूल देखने को मिल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, आने वाले दिनों में आप लोगों को दोस्तों टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो दोस्तों ये पॉजिटिव न्यूज़ के साथ स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली, यही पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट में धमाका करेगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है पैसेंजर व्हीकल्स जो ट्रक ऑटो मोटर इसके डंपर रहते हैं, ठीक है,
उनका प्राइस इंक्रीज़ होना, क्योंकि वही दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इनकी सेल्स होती है और उनका प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डेफिनेटली रेवेन्यू भी कंपनी का बढ़ेगा, ठीक है। तो यह हमारे लिए बहुत अच्छी खासी बात देखने को मिली टाटा मोटर्स के अंदर, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें अगर इस स्टॉक के रिलेटेड पूछना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर आपकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो को हम क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर हम आप लोगों के लिए इंट्राडे की टिप्स एंड मार्केट अपडेट लाते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों।